ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे सुनने में ही इतना थ्रिलिंग लगता है। जब भी कोई कपल ट्विंस यानी जुड़वा से कंसीव करता है तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, मैम क्या हमारे बच्चे एक जैसे होंगे? और भी ट्विंस के बारे में कई सारी बातें हैं जो कि लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहला तो यही कि क्या IVF से सिर्फ ट्विंस ही होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि IVF से ट्विंस हो, लेकिन हाँ जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर फीमेल में महीने में एक ही एग रिलीज होता है जिसकी वजह से एक ही बेबी बनता है, लेकिन जब हम बाहर से एग बनाने के लिए मेडिसिन देते हैं तो एक से ज़्यादा एग रिलीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। इसी तरह से जब IVF किया जाता है तो उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो भ्रूण होता है जिससे आगे जाके बेबी बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो IVF की सक्सेस बढ़ाने के लिए हम एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा रहता है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि ये रिस्क पेशेंट को कम फेस करना पड़े, इसीलिए जब हम ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं जो कि day 5 एम्ब्रियो होता है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, तो हम एक ही ट्रांसफ़र करते हैं। day 3 एम्ब्रियो हम 2 या 3 ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो ग्रो कर जाते हैं तो फिर आपको ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी भी हो सकता है। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में हालांकि पेशेंट के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो एक फीटस को रिड्यूस करा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चाहते कि ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो? क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखो बेबी तो 2 मिलते हैं लेकिन उसके साथ ट्रबल और कॉम्प्लिकेशन का पैकेज भी डबल रहता है। मेडिकली स्पीकिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी हाई रिस्क में आता है जिसकी कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहती हैं। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम सिंगल प्रेगनेंसी ही आपको दें, लेकिन कुछ फैमिलीज में जेनेटिकली भी रन करता है और कुछ फीमेल्स की टेंडेंसी रहती है ट्विंस होने की क्योंकि उनके साइकिल में एक से ज़्यादा एग रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए बिना ट्रीटमेंट के भी लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है और कई बार उससे ज़्यादा भी देखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सब लोग पूछते हैं कि क्या हमारे बच्चे एक जैसे होंगे? अगर आपकी प्रेगनेंसी अलग अलग एग रिलीज होने से हुई है या 2 डिफरेंट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की वजह से हुई है तो वो बच्चे देखने में अलग अलग होंगे। तो दोनों बच्चे देखने में एक जैसे कब होते हैं? जब वो एक ही फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। हाँ ये सच है, कई बार फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट होता है और उसकी वजह से होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस यानी मोनोजाइगोटिक, यानी कि वो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे।